गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ सोनल बांदेकर और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी विच आर दोज थिंग्स आई रिग्रेट बाइंग। कुछ चीजें हैं मेरे पास जिसका मुझे एक्चुअली पछतावा है कि मैंने ये चीजें क्यों खरीदी, बट ऑब्वियसली मुझे पता नहीं था वरना मैं नहीं खरीदती। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली चीज जो है वो एक कॉम्पैक्ट है एंड दिस इज फेसेस कैनेडा कॉम्पैक्ट। ये कॉम्पैक्ट मैंने बिल्कुल भी यूज नहीं करा, ये अब बहुत ही गंदे परिस्थिति में है, ये मैं बोल सकती हूँ। आई गेस एक्सपायर भी हो चुका है। मुझे इसका टेक्सचर अच्छा नहीं लगा, ये शेड भी थोड़ा सा डार्क है मेरे स्किन टोन के लिए। मुझे ना कॉम्पैक्ट में थोड़ी सी कवरेज की जरूरत होती है, बट आई हैव केप्ट दिस ओनली बिकॉज दिस हैज अ मिरर इन इट। सो दिस वन आई डेफिनेटली रिग्रेट बाइंग। नेक्स्ट अप वी हैव दिस हाइलाइटर जो कि है स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर। ये हाइलाइटर यूज तो करती हूँ मैं, इसका टेक्सचर ना उतना स्मूथ नहीं है और उतना पिगमेंटेड भी नहीं है। मैं मोस्टली इसे अपर लिप्स पे आईज के लगा लेती हूँ। आई डू रिग्रेट बाइंग दिस। नेक्स्ट अप वी हैव स्विस ब्यूटी का ही प्रोडक्ट है एंड दिस इज देयर कंसीलर। हालांकि ये एक बहुत ही अच्छा कंसीलर है, बहुत ही अच्छा टेक्सचर है इसका, हाई कवरेज कंसीलर है, बट इनके पास ज़्यादा शेड रेंज नहीं है और जो ये वाला शेड मैंने खरीदा था ये मेरे स्किन टोन को भी मैच नहीं करता। सो आई डोंट थिंक सो आई एम गोइंग टू बाय दिस अगेन, क्योंकि मेरे स्किन टोन से मैच होता हुआ शेड और इनके पास है नहीं। पहले मैंने यूज़ करा है इसे कोई और कंसीलर के साथ मिक्स करके, बट जब से मैंने दूसरा कंसीलर खरीद लिया मैंने इसको यूज़ करना स्टॉप कर दिया एंड आई एम नॉट गोइंग टू यूज दिस अगेन। सो डेफिनेटली आई रिग्रेट बाइंग दिस। नेक्स्ट अप वी हैव अ लिपस्टिक। ये मेबलिन का लिपस्टिक है एंड दिस इज फ्रॉम देयर क्रीमी मैट्स रेंज। हालांकि क्रीमी मैट्स रेंज के मेरे पास और चार लिपस्टिक्स हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं एंड दे आर माई फेवरेट्स, बट ये वाला शेड दिस इज मेसमराइजिंग मजेंटा, ये शेड मुझे पसंद नहीं है। शेड अच्छा है बट दिस इज नॉट ओपेक, वन स्वाइप में तीन स्वाइप में भी ओपेक नहीं है। इसके साथ आपको कोई और लिपस्टिक लगाना पड़ता है या फिर लिप लाइनर लगाना पड़ता है, इनफैक्ट वो चीज भी चल जाएगी, बट एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है इस लिपस्टिक के साथ, इनफैक्ट इस शेड के साथ। मैं जब भी इसे अप्लाई करती हूँ मेरे लिप्स थोड़े से बर्न होते हैं एंड मैंने एक चीज नोटिस की है कि मेरे लिप्स हमेशा पील होते हैं इस लिपस्टिक को हटाने के बाद। सो यस, दैट इज व्हाई आई डोंट लाइक दिस लिपस्टिक एंड आई एम डेफिनेटली नॉट गोइंग टू रीपर्चेज इवन दो आई लाइक द कलर वेरी मच। नेक्स्ट अप वी हैव दिस मेकअप ब्रश सेट जो कि मैंने ऑनलाइन अमेजोन से खरीदा था। ये मिनीसो का है, इतने ही मेकअप ब्रशेस है इसमें और एक शायद था ब्रश, बट आई डोंट रिमेम्बर, नहीं इट वॉज अ स्पूली, यस। इसके ब्रशेस है अच्छे वैसे, नो डाउट, बट उतने डेंस नहीं है एज यू कैन सी। इससे अच्छे भी सेट्स मिल जाते हैं अमेजोन पे, मिनीसो के ही सेट्स है अच्छे अच्छे मेकअप ब्रशेस के। सो आई डेफिनेटली डू रिग्रेट बाइंग दिस, क्योंकि इसके बाद इमिजिएटली मैंने अलग मिनीसो का ही सेट खरीद लिया था। सो मैंने ये यूज़ करना स्टॉप कर दिया। सो आई वुड नेवर सजेस्ट यू ऑल और नेवर रिकमेंड यू ऑल टू बाय दिस वन। एंड आई ऑल्सो रिग्रेट बाइंग डीमार्ट के टी शर्ट्स जो है, आपने मेरे एक व्लॉग में देखा होगा, मैं उसका वीडियो स्क्रीन पे लगा दूंगी। ये 100 रुपीज के टी शर्ट्स थे जो कि मैंने मुझे तब पसंद आए खरीदने के टाइम, बट आफ्टर वन वॉश आई डोंट नो आई डिडंट लाइक देयर क्वालिटी एंड उसका शेप भी मुझे खास अच्छा नहीं लगा। घर पे मैंने जब ट्राई किया आफ्टर वॉश तो आई डेफिनेटली डू रिग्रेट बाइंग दोज टी शर्ट्स। ये 99 रुपीज के टी शर्ट्स थे और एक लिपस्टिक
का मेंशन करना जरूरी लगता है यहाँ पर, बिकॉज वो दोनों ही लिपस्टिक्स मैंने कभी यूज नहीं करे और दो दिन पहले ही मैंने वो फेंक दिए बिकॉज वो एक्सपायर हो गए थे। वो लिपस्टिक्स वेट एंड वाइल्ड के थे, वो दोनों ही शेड्स बहुत ही अच्छे थे बट उनका फॉर्मुलेशन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। दे वर लिक्विड लिपस्टिक्स एंड बहुत ही ड्राई कर देते थे लिप्स मेरे। मैंने वो लिपस्टिक्स लिटरली 2-3 बार ही यूज करे होंगे। आई वॉज होपिंग दैट आई वुड यूज देम अगेन बट वो हुआ नहीं। दीज वर अ फ्यू थिंग्स विच आई डेफिनेटली रिग्रेट बाइंग, बट जो भी है शायद मैं इनमें से थोड़ी चीजें जैसे कि ये हो गया और ये कभी कभार यूज कर लूँ मैं, एंड टी शर्ट्स, यस मैं अब वो टी शर्ट्स घर पर यूज कर रही हूँ। आपने भी अगर कोई प्रोडक्ट्स ऐसे बाय करे हो एंड आपको पछतावा होता हो उन प्रोडक्ट्स को बाय करने का, तो वो कौन सी प्रोडक्ट्स है मुझे प्लीज कमेंट्स में बता देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो सुपर सून, बाय।